चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बट आप लोगों से मुझे एक बात डिस्कस करनी दैट कि आप लोग मेंस और एडवांस इस तरीके से सेग्रीगेट करके ना पढ़ें। कॉन्सेप्ट है, एडवांस में भी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट ही है और मेंस के क्वेश्चन के पीछे भी उनका कॉन्सेप्ट ही है। तो बेटा आपको बस ये देखना है दैट कि हम कॉन्सेप्ट सीखें क्वेश्चन से। मेंस एडवांस अलग अलग करके नहीं, एडवांस की तैयारी करके चलोगे तभी मेंस होगा, तब एडवांस के काबिल बनोगे। वरना सोचोगे कि विद इन 30 डेज हम एडवांस की पढ़ाई कर लेंगे, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अभी से एक कंबाइंड स्टडी प्लान बनाइए और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 है, मोर देन वन करेक्ट अमंग द पी क्यू आर एस द एंड अरोमेटिक कंपाउंड इज और आर। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो AlCl3 है हमारा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 51 की बात हो रही है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 51 में जो AlCl3 है हमारा, ये एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड। क्या बेटा? लुईस एसिड। तो ये क्या करता है, Cl के पास यहाँ पे बेटा तीन लोन पेयर होते हैं, वो एक्सेप्ट करता है और Cl पे आता है पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए बॉन्ड ब्रेक कर देता है और यहाँ पे आ जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड ये बन जाता है, हमारा ये कंपाउंड इस तरीके से ये बन जाता है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड। तो ये कंपाउंड क्या बेटा, एरोमेटिक 2N 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, साइक्लिक सिस्टम है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, सारे रूल फॉलो कर रहा है एरोमेटिक के। तो अपना ये भाई साहब जो पी वाला है, इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब NaH की बात करें तो जो NaH होता है, ये देखो डिसोसिएट होता है हमको Na+ और साथ में H नेगेटिव के फॉर्म में, और हम सब जानते हैं कि H नेगेटिव एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि क्या करता है, यहाँ से क्या करता है बेटा, ये हाइड्रोजन को पिक करता है और इस तरीके से यहाँ पे क्या क्रिएट करता है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। और देखिए ये भी सिस्टम क्या बन चुका है हमारा, एरोमेटिक बन गया। तो मतलब क्यू भी हमारा आंसर है। अब जो हमारा ऑप्शन आर है, इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर रिएक्शन होती है। तो होता क्या है यहाँ पे कि मेनली ये और ये भाई साहब आपस में रिएक्ट करने के बाद कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छे से देखें, अमोनियम ये क्या दे रखा है बेटा आपको, इस तरीके से दे रखा है NH3 साथ में H2CO3, ये कॉम्बिनेशन दे रखा है इन्होंने। तो क्या होगा, ये NH3 देखिए बेटा एक बार, NH3 को मैं इधर बना लेता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से NH3 होगा, लोन पेयर होगा, पहले वो अटैक क्या मारेगा, फिर एक H निकल जाएगा, फिर वापस अटैक क्या मारेगा, एक H निकल जाएगा, और इस तरीके से फिर यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ का H और OH निकल के डिहाइड्रेट हो जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से, और ये कंपाउंड हमारा इस तरीके से बन जाएगा। मतलब कैसा कंपाउंड बनेगा ये, दिस कंपाउंड विल समथिंग लुक लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। तो देखो ये कंपाउंड क्या है बेटा, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमारे ये जो आर है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे हम बात करें HCl की बात करें, तो HCl देखो क्या करेगा बेटा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास लोन पेयर है, HCl डिसोसिएट होगा H+ और Cl नेगेटिव के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, फिर यहाँ कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं ये रिंग के ऊपर हमारे पास तीन पाई बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है, 4N+2 रूल फॉलो करेगा, हकल रूल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन और सारे रूल फॉलो करा एरोमेटिसिटी के। मतलब ये भी हमारा करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर इज A, B, C एंड D। एडवांस का क्वेश्चन था, देख लिया हमने कैसा करना था, हमको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं, साफ सफाई ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे 52 क्वेश्चन को। एंड आई होप कि नाउ द क्लैरिटी इज़ लिटिल बिट क्लियर पहले से, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर दैट गाइस जिसने मुझे एडवाइस की, सर आप इस तरीके से बनाइए। अब 52, द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन एंड 2-ब्यूटीन रिस्पेक्टिवली ड्यू टू। अब 52 में आपको सोचना है कि किस तरीके से हो रहा है ये, ठीक है। नाउ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन हम इस तरीके से बना सकते हैं, इन सब के पास 3H होंगे, इनके पास भी 3H होंगे, इसके पास भी 3H होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर ये क्या करेंगे बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं बेटा, ये S और P ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है बेटा, ओवरलैप होता है, मतलब डीलोकलाइजेशन होता है इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, A, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बस इसको पूछने का जो लैंग्वेज है, इन्होंने थोड़ा वो लैंग्वेज बदल दी थी। इन्होंने पहले पूछा था दैट हाइपर कॉन्जुगेशन के बीच में कौन कौन सा ओवरलैप होता है, और यहाँ पे इसको थोड़ा अलग तरीके से एग्जाम्पल देके पूछ लिया। अब ये 53 क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है आपको, अमंग्स द गिवन ऑप्शन द कंपाउंड इन विच ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन इन ऑन पॉसिबल कॉन्फर्मेशन
इज और आर। ठीक है, अब देखिए फिलहाल तो देखो मैं आपको स्ट्रक्चर ठीक कर दूँगी। स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर है हमारा। अब 53 में आपको बताना है कि किसमें सारे के सारे जो हमारे प्लेनर प्लेन के अंदर होने चाहिए, और सारे प्लेन में होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा हमारा कंडीशन कि वो sp2 होने चाहिए सारे। देखो ये भी sp2 है ना, ये sp2 है, और देखो ये क्या है बेटा, ये है हमारा sp कार्बन। अब देखिए सारे sp2 नहीं, एक sp, देखिए ये कार्बन इस तरीके से रहेगा कुछ, ये हमारी इसकी ज्योमेट्री ऐसी रहेगी, ये कार्बन ऐसे रहेगा, ये ऐसा। तो देखो सारे के सारे एटम क्या बेटा एक ही प्लेन का पार्ट है। ठीक है, वैसे आप ऑप्शन डी देखिए बेटा, ये sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन और ये sp कार्बन, तो हाँ ये सब के सब क्या है बेटा हमारे, क्या कह सकते हो आप कि एक एक ही प्लेन के अंदर आएंगे इन ऑल फॉर्म ऑफ कॉन्फर्मेशन। ठीक है, और आपको शायद से पता भी होगा कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं और जो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, हमने आइसोमेरिज्म में देखा था। ठीक है, अब बात आती है कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है ना, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें देखिए किस तरीके से दे रखा है इन्होंने, HC CCC, फिर इसको इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये इस तरीके से दे रखा है, तो आप देख सकते हो कि ये एक प्लेन में नहीं आ रहा है, प्लेन के बाहर जा रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी, तो ये तो हो नहीं सकता। और ए में आप देख सकते हो ये पहले से ही देखो इस तरीके से बाहर दिखा रखा है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, एक सेकेंड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग। ओके, ठीक है, देखो बेटा पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए कैसा है बेटा, देखो ये इस तरीके से CH2, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H। ठीक है, अगर इसके आप स्टेट निकालोगे और आप पूछ रहे हैं कि ऑल पॉसिबल कॉन्फर्मेशन में, ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वाला है वो क्या है बेटा, 1.3 ब्यूटाडाइन है, तो क्या होता है कॉन्फर्मेशनल चेंजेस पॉसिबल हैं इसके। ठीक है, और जो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 का जो बॉन्ड है, अब वो क्या है एक ही सिंगल प्लेन में हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। बट ये वाला जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, इसमें आप देख सकते हैं सारे के सारे क्या बेटा, देखो ये sp2 का कार्बन है, ये क्या बेटा sp कार्बन है। ठीक, और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन डी की बात करेंगे तो देखिए ये जो हमारे होते हैं इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये कैसा होता है बेटा, देखो ये अगर एक रिंग ऐसी है, मतलब एक रिंग इस वाले प्लेन में है, तो दूसरी रिंग का प्लेन कैसा होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ये रिंग इस रिंग के क्या होती है, मतलब ये पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर पाई बॉन्ड एक दूसरे क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। आपको पता होगा जब ऑड नंबर होता है तब वो प्लेनर होता है, तो ये तो बेटा ऑप्शन डी हमारा हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन बी क्यों सही है देखना बेटा, ऑप्शन बी इसलिए सही है क्योंकि HC CCC इस तरीके से है ना, देखो सारे के सारे आइटम अभी भी प्लेन के अंदर ही हैं। देखो ये पूरा का पूरा आप एक प्लेन मान सकते हो, क्योंकि देखो ये sp sp sp2 sp2, ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अरे हमको क्या मिलेंगे, सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो तो इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक है, अब डी क्यों नहीं है, डी इसलिए बिकॉज वो एलीन है और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ए क्यों नहीं है बेटा, बिकॉज मोर देन सिंगल प्लेन, मतलब कि इसके जो एटम्स है ना वो सिर्फ एक ही प्लेन में अवेलेबल नहीं होंगे, वो एक से ज़्यादा प्लेन में अवेलेबल होंगे, ये बोल रहा है कि सिंगल प्लेन के होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा बी और सी। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 इन ह्यूमन प्रोजेक्शन ने पूछा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन HNY कैन बी रिस्पेक्टिवली, तो आपको बहुत सिंपल है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन का आपको बनाना है प्रोजेक्शन ह्यूमन वाला, और बताना है कि एक्स एंड वाई क्या क्या हो सकते हैं डिफरेंट। अब देखिए आप ये आराम से ड्रॉ कर लेना, देखो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन मतलब इस तरीके से है ये 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है, तो इस तरीके से आप बना लेंगे। अब कौन कौन से इसके जो कन्फर्मर पॉसिबल हैं आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कार्बन नंबर 1-2 के अलॉन्ग, 2-3 के अलॉन्ग और 3-4 के अलॉन्ग, तो जितने भी पॉसिबल हैं सबके आपको देखना है बस कि एक्स वाई कौन से केस में पॉसिबल है। ठीक है, अब 54 में एक नॉर्मल चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि दैट ये एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ये एच है। ठीक है, मतलब देखो ये पहला केस ये मान लूँ कि देखो ये कार्बन है,
ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो मान लिया कि ये फ्रंट वाला कार्बन है, उसके दो एच ही रहे, दो एच ही रहे और एक एच ही रहा, तो ये एक्स कैन बी एच, ठीक है। अगर ये एक्स एच है तो देखो इस कार्बन के पास एक सी एच थ्री है, ठीक, और एक क्या होना चाहिए बेटा, इसके पास एक एच होना चाहिए और एक इतना बड़ा ग्रुप होना चाहिए इस तरीके से। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखने हैं कि कौन कौन से फॉर्म हमारे पॉसिबल हैं एक्स एंड वाई के लिए। कुछ नहीं, आप नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तब भी आप आराम से बना लेंगे। तो देखो बेटा, आप सी टू और सी थ्री एक्सिस और सी वन और सी टू एक्सिस, ठीक है, ये दोनों देख लेना बस, बिकॉज सी थ्री सी फोर विल बी सेम एज दैट ऑफ सी वन सी टू, ठीक। इसलिए आपको बस ये दोनों चेक करने हैं, और दोनों चेक करोगे तो ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन बी और सॉरी ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ रहा है नहीं। द मॉलिक्यूल्स विल हैव अ डबल मूवमेंट्स आर, अब बहुत सिंपल है, इसमें आपको करना है सब सारे मॉलिक्यूल आपको बनाने पड़ेंगे पहले, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन ए जो दे रखा है, ठीक है, देखा 2.2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो 2.2 डाइमिथाइल प्रोपेन मतलब इस तरीके से 2.2 डाइमिथाइल प्रोपेन ये हम बनाएंगे, ये इस तरीके से 2.2 है, इसलिए यहाँ पे हमको ये इस तरीके से लगाना पड़ेगा, ठीक है, 2.2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तब देखेंगे ये क्या रेगुलर हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, सराउंडिंग एटम सारे सेम है, तो इसका म्यू कितना होगा बेटा, जीरो, ठीक है, तो इसका डबल मोमेंट कितना होगा, जीरो। तो इस ए का तो आंसर आने के चांसेस है नहीं। अब ट्रांस टू पेंटिन, अब ट्रांस टू पेंटिन मतलब कैसा दिखेगा बेटा, देखो ट्रांस टू पेंटिन विल लुक लाइक समथिंग, एक कार्बन यहाँ पे इस तरीके से ये, और यहाँ पे कितने कार्बन होंगे बेटा, दो कार्बन, है ना। अब देखो ऑब्वियसली बात है, ये सिमेट्रिकल तो दिख ही नहीं रहा, तो इसका तो म्यू नेट जीरो होगा ही नहीं, तो इसका कुछ ना कुछ डबल मोमेंट होगा, ठीक। और उसके बाद क्या है हमारे पास, 6-2 हेक्सीन, हेक्सीन मतलब कितने कार्बन बेटा, तीन कार्बन, इस तरीके से बना लो, ठीक, कितने होंगे, एक दो तीन चार पाँच सिक्स टू, सॉरी हेक्स कितना बोला इन्होंने, हेक्स थ्री हेक्सीन ना, तो इस तरीके से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और सेकंड पोजीशन पे अपने को क्या लगाना है, सॉरी थर्ड पोजीशन पर लगाना, और सेकंड अपने को लगाना है कहाँ बेटा, इस तरीके से थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाना अपने को इस तरीके से। तो आप देखिए, हाँ ये भी पॉसिबल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक, और कैंसिल भी नहीं करेगा, ऊपर से सीज फॉर्म है, ट्रांस होता तब भी सोच लेता मैं। और उसके बाद डी ऑप्शन क्या दे रखा बेटा, डी दे रखा 2.2, 3.3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन बना लो, ठीक, तो 2.2, 3.3, देखो पूरा का पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का क्या होता है बेटा, म्यूनेट जीरो होता है, ठीक है, हमने पढ़ा भी है कि अगर म्यूनेट जीरो होता है तो वो स्ट्रक्चर हमारा सिमेट्रिकल होता है, और अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो उसका म्यूनेट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी बी एंड सी, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब 55 हो गया, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 57। अभी क्या बोला है कि फिनॉल इज़ लेस एसिडिक देन, अब देखिए फिनॉल का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिनॉल कैसा दिखता है और उसमें उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की होती है, ये रिंग होती है, रिंग के ऊपर OH होता है, O नेगेटिव बनता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है हमारे फिनॉल का। तो आपको बस देखना है कि फिनॉल इज़ लेस एसिडिक देन, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे पैरा नाइट्रो फिनॉल दे रखा है। अब देखो अगर सपोज मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊँ जिसमें क्या करूँ, सेम फिनॉल बना रहा हूँ पैरा नाइट्रो फिनॉल, और यहाँ पे NO2 लगा रहा हूँ, तो ये NO2 क्या करेगा बेटा, नॉर्मल फिनॉल में तो देखो सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बट पैरा नाइट्रो फिनॉल वाले केस के अंदर दिस विल बी स्टेबलाइज बाय -M ऑफ NO2 ग्रुप, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज लेस एसिडिक देन सी पैरा नाइट्रो फिनॉल। बट ये आपको याद रखना है कि क्या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या बेटा मल्टीपल चॉइस, तो सी तो करेक्ट है, और साथ में देखो इथेनॉल और फिनॉल ये नहीं होगा क्योंकि पैरामिथॉक्सी प्लस एन का ग्रुप है, एसिडिटी कम करेगा, और यहाँ पे जब एसिडिक एसिड है तो आप देखो एसिडिक एसिड तो खुद ही एक एसिड है, और ये देखो ये ऑक्सीजन के साथ जब रेजोनेंस करेगा इसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन से, तो ऑब्वियसली बात है ए भी आंसर सही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। नाउ असेसन रीजन टाइप में आपको देखना है कि 58 में देखना है आपको क्या कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सही बात है, बिकॉज पैरा के अंदर हमारे इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, ऑर्थो के अंदर इंटर मॉलिकुलर होता है, तो उसकी लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑर्थो, ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। वेज अगर आप बात देखते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट की, ठीक है, 58 में अगर आप देखते हैं, अच्छा एक सेकेंड, पैरा हाइड्रोक्सी, ओहो गलत बोल दिया मैंने, पैरा हाइड्रोक्सी में इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, ऑर्थो में इंट्रा होती है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है,
ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम लोग, और सेकेंड स्टेटमेंट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आप इस तरीके से बनाओ बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप एच बॉन्डिंग नहीं करा सकते, क्योंकि टोटल एच बॉन्डिंग के केस में छः मेंबर के रिंग बने तो अच्छी बात होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसका अनायनिक फॉर्म होता, अगर इसका अनायनिक फॉर्म होता ना, इस बेंजोइक एसिड का अनायनिक फॉर्म होता, बेंजोइट होता, तब ये एच बॉन्डिंग कर लेता, पर ये नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एज इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, बिकॉज हमारा जो क्या कहते हैं कि इंट्रा मॉलिकुलर जो एच बॉन्डिंग है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में जो क्या होता है, लोअर कर देता है बॉइलिंग पॉइंट को। तो रीज़न तो कुछ है नहीं है, रीज़न गलत ही है इसका, ठीक। तो आपको इसको बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि इंटरटेन नहीं करना है, गलत है तो गलत है, ठीक। एक तो एच बॉन्डिंग कब होगी, और आपको सोचना है कि एच बॉन्डिंग होगी तो उसके वजह से क्या होगा, ठीक। वैसे एच बॉन्डिंग आप करवाने को करवा सकते थे, बट हियर द स्टेटमेंट वन इज़ इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट जो सेकेंड है वो अब उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बट ऑर्थो वाले की तो क्या होती है बेटा, हाँ ऑर्थो वाले की कम होती है, ऑर्थो वाले की कम होती है, ठीक। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है बेटा, वन इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट टू क्या है बेटा, करेक्ट है, ठीक। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, देखो बेटा जो स्टेटमेंट वन है वो इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज अगर आप इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे ये सी ओ ओ एच है, यहाँ पे ये ओ एच है, और एक है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे ये सी ओ ओ एच है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, ओ एच है। तो आप एक चीज़ देखिए बेटा, इसके अंदर आप इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग करा सकते हैं, पर इसके साथ नहीं होगी, कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ करवा सकते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ भी करवा सकते हैं जिसका लोन पर ज़्यादा अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस भाई साहब का बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन तो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट सॉरी कहाँ गया, स्टेटमेंट वन तो इनकरेक्ट है हमारा, बट स्टेटमेंट टू क्या है, ये गलत सही है, बिकॉज देखो जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी है एसिड है बेंजोइक एसिड, वहाँ पे इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग आप करा सकते हो। सॉरी मैंने पहले थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया था, देखो इस तरीके से आप करवा देना, ये इस तरीके से करवा देना, इस ओ का इस एच के साथ करा देना, ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट टू करेक्ट है, तो इसका देख लो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन डी इसके लिए मैच करेगा, दैट स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट वेयर स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट, ठीक है। थोड़ा डिस्कशन करेंगे, स्टेटमेंट वन, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए क्या है कि स्टेटमेंट, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब 59 में क्या है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा कि जो क्या कह रहा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, आप पैरा नाइट्रोफिनॉल आप बना लीजिए पहले इस तरीके से, देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात हो रही है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, देखो ये देखो यहाँ पे देखो अच्छे से देखना, ये हमारा ऑर्थो वाला है और ये हमारा पैरा वाला है, ठीक है। अब तो होता क्या है ना कि बेटा ये ना एच ना इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग में ट्रैप हो जाता है, इस वजह से जो ऑर्थो वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा वाले से क्या होती है बेटा, कम होती है। तो दिस पैरा वन इज़ मोर एसिडिक, तो इसे कह भी रहा है पहला स्टेटमेंट कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉगर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो पहला स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। नाउ उसके बाद आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग मेक्स द ऑर्थो आइसोमर वीकर एसिड देन पैरा आइसोमर, सही बात है, इंटरमोलिकुलर की वजह से ये वीकर एसिड होता है एज कम्पेयर टू दी, तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है, एंड दिस सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इसका ए आना चाहिए, इसका डी था, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ये रहा हमारा 60 में से तो फॉलोइंग रिएक्शन एडवांस का क्वेश्चन है ये, आपको 60 में क्या करना है कि आपको बताना है कि मैच द रिएक्शन इन द कॉलम वन विद अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ स्टेप रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन एज गिवन इन द कॉलम, ठीक है। आप देखिए ये रिएक्शन कैसी बेटा, इसमें एक्वस एनिवेश दे रखा है, पहले कार्बनायन बनेगा फिर वो अटैक करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो अब जो ए है वो क्या क्या कर सकता है बेटा, देखो ऑब्वियसली बात है इसमें डिहाइड्रेशन होगा तभी तो डबल बॉन्ड आएगा, तो ये ए के ए मैच करेगा किसके साथ, आर के साथ, बट मल्टीपल है, ठीक है, मोर देन वन के साथ करेक्ट हो सकता है। तो अब ए का देखो, अब आप
कि क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, जब यहाँ कार्बनायन बनेगा और अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो बोलेंगे। तो जो हमारा ए है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आर हो सकता है और एस हो सकता है। क्या कार्बनायन भी बन रहा है, हाँ अभी बन रहा है, बताया ना कार्बनायन बनेगा, तो इसका आंसर टी बी होगा। तो ए का क्या है बेटा ये, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब एडिशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक एटम निकलता है उसके पे दूसरा एटम जाता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। नाउ ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ दे रखा है इन्होंने आपको, और इस तरीके से आपको क्या कर रहा है, देखो ये सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं कर रहा है, आपको बताना है कैसे रिएक्शन होगी, बहुत सिंपल। देखो पहले एच प्लस इसको प्रोटोनेट कर देगा, इस तरीके से प्रोटोनेट कर देगा ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, फिर ये ओ 18 अटैक करेगा यहाँ पर, इस तरीके से ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी एक टाइप का आप सोच सकते थे कि यार शायद से यहाँ पे भी क्या हो रहा हो, डिहाइड्रेशन शायद से हो रहा हो। तो देखते हैं फिलहाल क्या क्या हो रहा है बी में। देखो ये तो कौन सा बेटा, देखो ओ अटैक कर रहा है, तो ओ क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये पहले बी को आप मिला दो किसके साथ बेटा, बी को आप मिला दो पी के साथ, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या आना चाहिए, ओके जस्ट अ मिनट बेटा, ओ ये क्या कर रहा हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा हमारा, और उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली डिहाइड्रेशन वाली स्टेप हो जाएगी, तो कोई इशू नहीं आपका, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना चाहिए, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा बी है, जो बी है हमारा, ठीक है, तो जो बी है हमारा वहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं एडिशन रिएक्शन होना चाहिए। तो जो बी है इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी का, दिस शुड बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो कहाँ बेटा, ऑप्शन एस है, ठीक है। तो बी का एस होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद ऑब्वियसली बात हम डिहाइड्रेशन भी करवाएंगे, क्योंकि देखो ये जब ओ अटैक मारेगा तो ओ एच बनेगा, और ओ एच और एच निकल के फिर बाद में डबल बॉन्ड भी आएगा, तो डिहाइड्रेशन भी होगा यहाँ पे, तो एस और आर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी की तरफ, सी किसके साथ मैच कर सकता है। सी में कुछ नहीं होगा, पहले सी एच थ्री एम जी भी आ रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये जाके अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी अटैक कर रहा है तो ये कौन सा टाइप की रिएक्शन होती है बेटा, हाँ वेरी गुड, ये जो रिएक्शन कर रहा है ये न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है, देखो नेगेटिव है, मतलब ये क्या बेटा हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है हमारा, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये रखा, तो सी के साथ मैच करो एस को, ठीक। उसके बाद कुछ नहीं, अटैक करा इन्होंने, फिर देखो वो जो ओ नेगेटिव बनेगा ना यहाँ पे, ओ नेगेटिव बनेगा, उसी ओ नेगेटिव ने अटैक करके यहाँ से सी एल को निकाल दिया, है ना। अब उसने ओ नेगेटिव ने अटैक करके सी एल को निकाल दिया, अब ये ओ नेगेटिव सी एल को निकाल दिया, मतलब कौन सी रिएक्शन बढ़ाई है, एस एन टू रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय ऑर्डर, ठीक है, बाय मॉलिकुलर रिएक्शन है ये एस एन टू वाली, ठीक। तो इसको हम एस एन टू मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाली कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो ये सी वाली रिएक्शन में पी भी हो ही रहा है, मतलब ठीक है, डिहाइड्रेशन का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे, कार्बनायन कुछ बन नहीं रहा, और एडिशन तो हो गया, बात हो गई। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक मारा ना, ओ नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारा कहाँ है, देखो ये ओ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और अटैक यहाँ पे मारा, थोड़ा क्लियर कर दूँ। देखो यहाँ पे ये ओ नेगेटिव बनेगा यहाँ पे, जब सी एच थ्री अटैक करेगा वहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरीके से अटैक मारा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि सी एल हट के वहाँ पे ऑक्सीजन अपना जगह बना लेगा, ठीक। अब आते हैं डी के पास, डी देखो इन्होंने पीछे थोड़ा ऑप्शन गुछड़ पुछड़ कर दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो ना, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छे से आपको बता दिया। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा इसका, प्रोटोनेशन होकर इस तरीके से निकल जाएगा और कार्बोकटायन बनेगा, कार्बनायन नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, सिंपली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अटैक करेंगे यहाँ पे, और इस तरीके से ये रिंग बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये कौन सा होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा डी है ये मैच करेगा इसके साथ क्यू के साथ, ठीक। और अब देखिए अब क्या होगा बेटा, ये जब इसके साथ अटैक करेगा, ठीक, और देखो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, ये एच प्लस आके इसको क्या कर रहा है, डिहाइड्रेट कर रहा है, तो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है यहाँ से, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिहाइड्रेशन भी बोलेंगे। तो ये इसका मैच क्यू भी होगा और आर भी होगा, तो ये हमारे करेक्ट सेट ऑफ आंसर है, ठीक है। पीछे दिए हुए आंसर की भी मत जाना, थोड़ा सा वो गलत है, उन्होंने थोड़ा मिसमैच कर रखा है, ठीक। अब ऐसे ही हम एक इसके लिए देख लेते हैं ये वाला, कि 61 को थोड़ा सा, कि मैच द रिएक्शन कॉलम विद अप्रोप्रिएट कॉलम, ठीक है।
देखो थोड़ा रिएक्शन को मैं कंप्लीट कर दूँ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से दे रखा होना चाहिए इनको, ये इस तरीके से, ये फिर यहाँ पे एरो होना चाहिए, यहाँ पे एक एरो, फिर H2SO4, फिर इस तरीके से, ठीक है। ये इधर जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो, ठीक। चलो देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या है। अब जो ऑप्शन ए है, देखिए आप सब जानते हैं कपलिंग रिएक्शन है, तो जो ए है ये कपलिंग रिएक्शन है, तो ये एस तो होगा ही होगा, ठीक है। ए एस तो होगा ही, कपलिंग रिएक्शन वाला एस होगा ही, और साथ में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर चीज़ ये पूरा का पूरा ग्रुप इस N2 को क्या कर देगा, बड़ा सब्स्टिट्यूट कर देगा। देखो तो यहाँ पे बॉन्ड बना देना, ठीक है। ये कपलिंग होता है, अजो डाई मिलती है हमको, कलर कलर मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, वन डिग्री ऑफ माइंड को आइडेंटिफाई करने का। तो याद रखना एस और आर ए के लिए। तो बी में क्या हो रहा है बेटा, ये पेनाकोल पेनाकोलोन रिएक्शन है, देखिए बेटा है ना, याद होगा आपको पेनाकोलोन पेनाकोलोन रिएक्शन। तो बी में क्या क्या हो रहा हमारा, देखिए बेटा पहले तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा, सब जानते हैं पेनाकोल पेनाकोलोन बनता है, तो बी के लिए बस अच्छा आंसर सिर्फ डी है हमारा, ठीक है। ऑप्शन सी में अगर आप देखते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन में, सिंपली रिडक्शन हो रहा है, बट आप देखिए रिडक्शन के बाद क्या हो रहा है, कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, ठीक। तो अगर कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है बेटा इसके अंदर, तो क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली बात है आर एस दोनों बन सकता है और एसएमाइजेशन हो जाएगा, मतलब 50% आ 50% एस, तो जो सी है वो पी के साथ होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि LiLH4 में एच नेगेटिव आता है और अटैक करके ऐड हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, है ना, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एच नेगेटिव आके ऐड हो जाता है कार्बोनिल पे, ठीक। अब उसके बाद जो ऑप्शन डी है, देखो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से आपके पास ये कंपाउंड है, ये इंट्रा मॉलिकुलर जो सल्फर के लोन पर है वो अटैक करते हैं क्लोरीन को, यहाँ से निकाल देते हैं और ये कंपाउंड हमको मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, तो ये आर है, डी वाला आर है सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा, देखो अब एडवांस में थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बट आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होता है तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चंस करने हैं हमको, कितने बाकी क्वेश्चन, वैसे देखा जाए तो 84 क्वेश्चन बाकी हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ पहले आज, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं कवर कर लेता हूँ 72 तक। तो 62 क्वेश्चन क्या बोलता है कि द काइंड ऑफ डिलोकेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड एंड ऑर्बिटल इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मैं बताते जा रहा हूँ, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीडेड टू फॉर्म बेंजाइल रेडिकल फ्रॉम टोलुइन इज वॉट, मोर और लेस देन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल फ्रॉम मीथेन। ऑब्वियसली बात है बेटा लेसर होगा, बिकॉज बेंजाइल रेडिकल क्या होगा बेटा, हाँ बेंजाइल रेडिकल जो होता है हमारा दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जैसे मतलब बोलना चाहता है कि यहाँ पे इस कार्बन पे रेडिकल बनाना आसान है कि इस मिथाइल पे कार्बन रेडिकल बनाना आसान है, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, ये कहना चाहता है वो आपसे। और 64 अभी वैसे आते नहीं क्वेश्चन, बट ठीक है, अभी कहना चाहता है द स्ट्रक्चर ऑफ द इनॉल फॉर्म विद द इनॉल फॉर्म, बताइए कि ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो ये साइक्लिक फॉर्म में इनॉल होगा, कैसे होगा, देखिए इस तरीके से होगा इसका इनॉल फॉर्म, CH3C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आप बना सकते हैं COH, ये CH3 और ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, देखो इस तरीके से क्या होता है, ये इनॉल फॉर्म स्टेबल होता है इसका, एक तो इसका जो इनॉल फॉर्म का एच है वो एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, साथ में इनॉल फॉर्म का अल्कीन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। तो ये हो गया। अब द IUPAC नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड क्या होता है बेटा, आपको पता है ब्यूटेनिक एसिड को कहते हैं, ब्यूटेन डायोइक एसिड को सक्सेनिक एसिड बोलते हैं, ये आपने देखा होगा शायद से, है ना, ये इस तरीके से जो कंपाउंड होता है इसको क्या बोलते हैं हम, सक्सेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। देखो 1, 2, 3, 4, तो ब्यूटेन 1, ब्यूटेन 1, 4 डायोइक एसिड या फिर ब्यूटेन डायोइक एसिड आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द शेप ऑफ CH3 रेडिकल सब जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये SP2 हाइब्रिडाइज होता है रेडिकल नहीं कार्बोकैटायन, तो ये इस तरीके से होता है, कैसे होता है बेटा, इस तरीके से ट्रायगोनल प्लेनर होता है इसका शेप ज्योमेट्री, है ना, ये आपको पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये कह रहा है कि डैश डायल हैज़ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन सेम, अब देखो बेटा जेमिनल होगा तो जेमिनल वाले में सेम होता है, बेसिनल वाले में डिफरेंट होता है ना, मतलब एक ही कार्बन पे अगर 2 OH है तो उसको जेमिनल डायल बोलते हैं, और एडजेसेंट पे 2 OH है तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डायोल, ठीक है, ये तो आपको पता ही था। आगे बढ़ते हैं, टर्मिनल कार्बन इन ब्यूटेन इज डैश साइड, ब्यूटेन में देखो सारे sp3 होते हैं, तो sp3 टिक मारो कोई दिक्कत नहीं। 69 दैट डैश रिंग इज मोस्ट स्ट्रेंड, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन, ऑब्वियसली बात जो सबसे छोटी रिंग होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंड होती है 3 मेंबर की, तो साइक्लोप्रोपेन क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। 70 द कंपाउंड हैविंग बोथ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, प्रोपेन में या प्रोपेन डाइन में, अब देखो sp और sp2 चाहिए तो प्रोपेन डाइन के अंदर होगा हमारे पास, ठीक है,
अब प्रोपेन सॉरी आपको क्या चाहिए एस पी एन एस पी टू वाला चाहिए ना, तो एस पी और एस पी टू वाला आपका प्रोपेन डाइन में मिल जाएगा। कैसे देखो, प्रोपेन डाइन इस तरीके से होगा, प्रोपेन डाइन देखो ये एस पी है और ये एस पी टू है, ये एस पी टू है, ये एस पी कार्बन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इन एसिडिक मीडियम डैश बिहेव एज स्ट्रॉन्गर बेस, बहुत सिंपल है। 71 देखो क्या होता है, एसिडिक मीडियम में जो एनिलीन होता है वो ज़्यादा बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, बिकॉज इसके जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो अवेलेबल है हमारे पास। आप देखते हैं 72 अमंग द गिवन कटायन दैट इज़ मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी या फिर टर्शरी या फिर एन ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। बहुत सिंपल है बेटा, देखो इसमें क्या होगा बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है ये बेटा, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है ना, और ज़्यादा प्लस आई के ग्रुप भी हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया है टिल 72 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको ख़त्म करने के बाद वी विल स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन, उसमें सारी रिएक्शन भी हम रिवाइज करेंगे एंड सारे प्रीवियस ईयर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, जय केमिस्ट्री, स्टे ट्यून्ड एंड बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू सो मच।